नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के उद्योग, और झारखंड के उद्योग से जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, हर तरह से किसी भी तरह से घुमा के पूछ दिया का सवाल, तो उस तरह के सवालों को हम प्रिपेयर करेंगे कि कोई भी तरह का सवाल ना छूटे झारखंड के उद्योग से। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं आज जो हम कवर करने वाले हैं। पहला सवाल है, टाटा स्टील की स्थापना किसके द्वारा की गई है? टाटा स्टील की स्थापना जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा की गई है। किस वर्ष टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया? 2005 में टाटा स्टील कर दिया गया था। टिस्को पहले नाम था, उसके बाद टिस्को से टाटा स्टील कर दिया गया 2005 में। थर्ड क्वेश्चन है, टाटा स्टील से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? देखिए, 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई थी, 1911 में टाटा स्टील से उत्पादन स्टार्ट हुआ था, 1911 में, आफ्टर 4 इयर्स, ठीक है, 4 सालों के बाद उत्पादन स्टार्ट हो गया था 1911 से। किस वर्ष टाटा स्टील में से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ? देखिए, इस्पात जो टाटा स्टील का कंपनी है, जो टाटा स्टील से इस्पात का उत्पादन जो 1914 से स्टार्ट हुआ था, तो आप बोलेंगे 1911 से उत्पादन हुआ था, तो 1911 में क्या हुआ था? 1911 में जो पीट आयरन होता था, पहले 1911 में पीट आयरन, ठीक है, पीट आयरन का उत्पादन 1911 में हुआ था। 1907 में हुआ था स्थापना, 1911 में पहली बार उत्पादन हुआ था पीट आयरन का, 1914 में इस्पात का उत्पादन 1914 से स्टार्ट हुआ था। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना 1964 में हुई थी। बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ? बोकारो स्टील प्लांट से 1974 से स्टार्ट हो गया था प्रोडक्शन, यानी 10 इयर्स के बाद 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और 74 में उत्पादन स्टार्ट हुआ था, 10 वर्षों के बाद, ठीक है। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? बोकारो स्टील की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। बोकारो, रो लास्ट में रो से ही रूस कर दीजिएगा, ठीक है, रूस से। बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस राज्य के द्वारा की जाती है? चूना पत्थर मध्य प्रदेश के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश जो है बोकारो स्टील सिटी को चूना पत्थर की आपूर्ति करता है। तो ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस वर्ष स्थापित किया? भारत का प्रथम तांबा उद्योग 1924 में स्टार्ट हुआ था, 1924 में। भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम तांबा उद्योग घाटशिला में स्थापित किया गया, घाटशिला, ठीक है। जब जमशेदपुर अब जाएंगे तो घाटशिला होकर गुजरती है गाड़ी, बस से अगर जाएंगे धनबाद से अगर जाते हैं तो, रांची से पता नहीं, धनबाद से अगर जमशेदपुर जाएंगे तो घाटशिला होते हुए आप गुजरेंगे, तो घाटशिला, ओके। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान पर एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी? ये तो सभी को पता है, मुरी में है एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है, मुरी में। झारखंड के मुरी नामक स्थान पर किस वर्ष एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी? 1938 में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी मुरी में, ठीक है, 1938, 1938। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग संयंत्र HEC
झारखंड के किस स्थान पर अवस्थित है? हटिया। किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना की गई? इसका आंसर होगा ए, रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना की गई, रूस और चेकोस्लोवाकिया। भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है, 1958 में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना की गई थी और हटिया में की गई थी। अगर मैं कभी हटिया जाऊंगा तो आपके लिए भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो HEC है उसका मैं फोटो खींच के आपको दिखाऊंगा, हटिया में है, ठीक है। तो अभी तक क्या कितना क्वेश्चन देखा? 15 क्वेश्चन देखा। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी धनबाद में किस वर्ष की गई थी? 1951 में की गई थी। 1951 में धनबाद के सिंदरी नामक स्थान पे भारत की प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना की गई थी। झारखंड का कौन सा स्थान लाह के निर्यात की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है? लातेहार जिला का टोरी क्षेत्र इसमें अग्रणी स्थान रखता है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है, ठीक है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति कहाँ पे दी है? आदित्यपुर में, जो जमशेदपुर में है। टाटा स्टील से किस वर्ष लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? लोहे का उत्पादन टाटा स्टील से पीट आयरन, मैंने बोला ना 1911 में हुआ था। भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? टाटा स्टील 1907 में, बोकारो स्टील 1964 में, झरिया स्टील है ही नहीं, धनबाद स्टील है ही नहीं, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति किस स्थान से होती है? झरिया से होती है। झरिया में मेरा नानी घर है, ठीक है, याद रखिएगा। टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? टाटा स्टील को मैग्नीज और क्रोमाइट की प्राप्ति जो है चाईबासा से होती है, ठीक है। मैंगनीज क्रोमाइट चाईबासा से मिलता है। देखो मैंगनीज से कैसा फीलिंग आ रहा, मैगी का, ठीक है, चाय के साथ मैगी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, लेकिन फिर भी याद रखना आप, चाईबासा मैंगनीज, मैंगनीज और क्रोमाइट चाईबासा से प्राप्त होता है। इसको और भी एक ट्रिक मैं इसमें बता सकता हूँ आपको, मैगनीज से आपको कुछ फीलिंग आ रही, मैगजीन की, मैगजीन की, चाय पीते वक्त हमेशा लोग क्या मैगजीन पढ़ते हैं ना, मैगजीन, तो वहां से मैगजीन, मैगजीन का याद रखना, ठीक है। टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? देखो चूना पत्थर अगर घर में लगा दोगे तो सुंदर बन जाता है ना, सुंदरगढ़ उड़ीसा से। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? देखो डोलोमाइट की भी प्राप्ति सुंदरगढ़ से होती है, ठीक है। डोला रे डोला एक गाना है ना, तो वहां पे सुंदर डांस होता है, तो भी सुंदरगढ़ से। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से होती है? कच्चा लोहा जो है मयूरभंज उड़ीसा और नोवामुंडी झारखंड दोनों जगह से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त, तो दोनों स्थान से। नोवामुंडी ऑलमोस्ट उड़ीसा के बॉर्डर पे है, उड़ीसा, और वहां पे टाटा स्टील का सबसे बड़ा खदान है, एशिया का सबसे बड़ा खदान है वो, लोहा का, वहीं से लोहा प्राप्ति होती है
नोवामुंडी खान से टाटा स्टील को लोहा की आपूर्ति होती है और मयूरभंज से भी। टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई थी? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना 1948 में की गई। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट टू क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का प्रथम लौह इस्पात उद्योग निम्न में से कौन सा है? काफी इजी है, टाटा स्टील है। झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? बोकारो स्टील। ठीक है, तो ये पार्ट वन में मैंने 31 क्वेश्चन बताया आपको, पार्ट टू में मैं आपको 31 के बाद ये सब क्वेश्चन बताऊंगा आपको, 32 क्वेश्चन के बाद ये टोटल इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो टोटल 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भारत में झारखंड राज्य के उद्योग से संबंधित सभी प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के अभी आपको बहुत सारा झारखंड का मैं वीडियो दूंगा, चाहे वो उद्योग से हो, प्रशासन से हो, मिट्टी से हो, फसल से हो, वन से हो, नदियों से हो, हर तरह से मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। और ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, इनकरेज कीजिएगा लाइक करके, और दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा, और अगर किसी तरह की त्रुटि रह गई होगी तो क्षमा चाहूंगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।